हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि 30 के बाद आपकी स्किन पे एजिंग स्लो डाउन हो जाए, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाए, आपका वेट रिड्यूस हो जाए, आपके घुटनों में, आपके टखनों में, जो भी आपके जॉइंट्स में पेन होता है, बेसिकली वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे इस एक चम्मच को रोजाना लगातार एक महीने के लिए खाना स्टार्ट करें। 15 डेज में आपको अल्टीमेट रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक महीना लगातार खाएं, फिर 15 डेज के लिए स्टॉप करें, देन दोबारा से इसको रिकंटिन्यू करें। मैं बात कर रही हूँ घी की। अब आप सोचेंगे कि घी तो हम डेली रूटीन में खाते ही हैं। नहीं, बट आज मैं एक डिफरेंट वे आपके साथ शेयर कर रही हूं जो हमारे सेलेब्स भी करते हैं और जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है कि अगर आप इस तरीके से घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सुबह उठते ही आपने एक चम्मच पिघला हुआ घी लेना है और ऊपर से उसको खा लेना है, ऊपर से पानी पीना है गुनगुना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बेबी आपको वॉमिट आ जाए, बट वो बहुत नॉर्मल है। धीरे धीरे आपको बॉडी को आपकी हैबिट हो जाएगी। अब घी क्यों खाना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब हम घी को कच्चा खाते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, तो उससे सुबह खाली पेट बेसिकली, तो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन जमा है वो बिल्कुल आपके, जब आप वॉशरूम यूज करेंगे तो आपके सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे जब आप स्टूल पास करेंगे बेसिकली। और साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना अच्छे से बूस्ट करेगा। जब आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा नूर आएगा, आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी। इसके साथ साथ जब आप खाली पेट घी का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी में लुब्रिकेंट की कमी को दूर करता है, जैसे कि आपकी हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो इसको प्लीज जरूर फॉलो करें और 15 डेज बाद मुझसे रिजल्ट जरूर शेयर करें।